नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं एक बकरी फार्म पे जो कि सिरोही और अजमेरा नस्ल की बकरियां हैं। तो बड़ी बकरियां भी हैं, बच्चे भी हैं सेल के लिए और ब्रीडर भी हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं इनसे, भाई कब से बकरी पालन कर रहे हैं और क्या कुछ इनका हिसाब किताब है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई अपना नाम और यहाँ की लोकेशन के बारे में बताओ एक बार जी। नाम है राकेश, गाँव गोपालपुरा, पोस्ट सूरजगढ़, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू। अच्छा भाई, कितनी बकरियां हैं आपके पास में? अपने पास है जी 23 बकरी है। 23 बकरियां हैं और बच्चे कितने हैं? 17-18 बच्चे हैं इनके नीचे। अच्छा, इनके नीचे 17-18 बच्चे हैं। और ब्रीडर? दो ब्रीडर हैं फिलहाल। दो ब्रीडर हैं, तो कौन सी नस्ल के हैं ब्रीडर? ब्रीडर एक अजमेरा और एक सिरोही है। अच्छा ठीक है, तो कितनी साल से बकरी पालन कर रहे हैं? मेरे को 4-4.5 साल हो गए जी। तो कैसा अनुभव रहा है बकरी पालन का अभी तक का आपका? देखो जी, बकरी पालन खेती व्यवसाय से बढ़िया मानता हूँ। बढ़िया मुनाफा है, खुद संभाल करने वाला हो तो इनमें बढ़िया प्रॉफिट है। अच्छा, तो खेती कितनी करते हैं आप? खेती करता हूँ जो 25 बीघा। 25 बीघा खेती करते हैं। तो बकरी का विचार कैसे आया आपके मन में? बस ये यार दोस्तों से देख के। यार दोस्तों से देखा, कोई ट्रेनिंग वगैरह ली आपने? नहीं जी, ट्रेनिंग नहीं ली, बस यार दोस्तों से फार्म पे ही जानकारी ली। वैसे ही तो ट्रेनिंग ना लेने की वजह से कोई परेशानी आई हो? जी शुरू में एक बार परेशानी आई थी, उसके बाद धीरे धीरे जानकारी होती गई। हाँ, जैसे कोई दिक्कत आई, किसी डॉक्टर को बुलाया, उससे पर्सनल राय ली, उससे जान पहचान हो गई धीरे धीरे। तो सिरोही के अलावा और कोई नस्ल रख के देखी है आपने? हाँ बिल्कुल रखी जी, इससे पहले जखराना क्रॉसिंग थी। अच्छा जी, तो वो कैसी बकरी रही? वो बकरियाँ वैसे ठीक थी, लेकिन उनकी चराई ज़्यादा करनी पड़ती थी, बाहर फील्ड में ज्यादा घुमाना पड़ता है उनको। अच्छा, बाहर घुमाना पड़ता था। और ये बकरियां स्टॉल फीड पे ही रखते हैं? ये स्टॉल फीड ही पे हैं, वैसे अब ये हरा चारा हो गया तो बाहर भी घूम के आती हैं। बाहर भी जाती हैं? हाँ जी। अच्छा, बाकी ज्यादातर बाहर हरा चारा नहीं होता है तो स्टॉल फीडिंग पे रहती है। अभी 2-3 महीने बाहर जाएंगे, बाकी स्टॉल फीडिंग पे। अच्छा, तो सेल के लिए है? हाँ जी बिल्कुल, सेल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो एक बार अपनी बकरियां दिखाओ, कोई किस तरह की बकरियां हैं, थोड़ा पकड़ के दिखाओ एक एक। तो ये है प्योर अजमेरा, सिरोही में। सिरोही में है? हाँ जी। कौन से ब्यात में है ये? है चौथा पांचवा ब्यात है इसका। चौथा ब्यात, पांचवा ब्यात? हाँ जी। देखने में तो दूसरे ब्यात की लग रही है। नहीं, थोड़ी सी दिख रही है वैसे, हष्ट पुष्ट है इस वजह से। तो प्रेग्नेंट है या ब्याई हुई है? प्रेग्नेंट है जी बिल्कुल। कितने दिन की प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट होगी सर 1.5-2 महीने की। अच्छा, और दूध देती है अभी? अभी इसके नीचे बच्चा है तो कभी कभार चूंग लेता है, वैसे परमानेंट नहीं चूंगता है। अच्छा, तो किस रेट की बकरियां हैं आपके पास में? अपने पास देखो जी 15,000 से लेके और 20-25,000 रुपए तक की है। 15,000 से 20-25,000 तक की बकरियां हैं। अच्छा जी, ये कौन से ब्यात की है? वो जा रही है वो? ये दूसरे ब्यात पे है। दूसरे ब्यात ब्याई हुई है? नहीं, इसके बच्चे कैंसिल हो गए जी पहले ब्यात। अच्छा, तो अभी प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है अभी। अच्छा, कितने दिन की है प्रेग्नेंट? ये महीने भर की। एक महीने की प्रेग्नेंट है, ठीक है। और दिखाओ ये वाली। ये अजमेरा में। अच्छा जी, ये तीसरे ब्यात पे ब्याई हुई है? हाँ ब्याई हुई है जी। अच्छा, बच्चे कितने हैं इसके नीचे? इसके नीचे एक बच्ची है। एक बच्ची है? हाँ जी। अच्छा, और कोई खरीदेगा तो बच्चे बच्ची साथ देंगे ना आप? हाँ, जो इनके नीचे दूध चुंग रहे वो साथ जाएंगे। अच्छा, कितने दिन की ब्याई हो गई है ये? ये ब्याई हो गई शायद 1-1.5 महीने की। अच्छा ठीक है, और इन बकरियों के अलावा अलग से बच्चे भी हैं आपके पास? हाँ जी, छोटे बच्चे हैं इनके जो साथ में हैं वो है, और बकरे हैं कुछ। बकरे भी तैयार कर रहे हो? बिल्कुल जी। ईद के पर्पज से वैसे तैयार कर रहे हैं? ईद के पर्पज से तैयार कर रहे हैं जी। अच्छा, ये वाले बच्चे इनके हैं? हाँ, ये छोटे बच्चे जो हैं ये इनके नीचे के हैं। अच्छा, तो करीब 15-20 दिन से लेकर और 2-2.5 महीने तक के भी बच्चे हैं इनके पास में। ये देखिए, ये बच्चे हैं साथ में बकरियों के। ये तो बड़ी बच्ची लग रही है। हाँ, ये 4-5 बच्ची, चार बच्ची बड़ी है। अच्छा, ये भी बकरी के साथ ही है या फिर ये अलग? ये अलग से है जी। अच्छा, ये अलग से है। ये टली हुई है, इनकी माँ दोबारा ब्यात पे है। अच्छा, तो जो बच्चे तैयार कर रहे हैं और वो और दिखाओ जरा। आ जाओ जी। जी तो भाई, इधर बच्चों का सेक्शन है। कितनी एज के बच्चे हैं ये?
ये इनमें कुछ तो हैं बड़े जो 12 महीने के लगभग हैं, और बाकी जो स्पोर्ट्स में हैं ये सारे 7-8 महीने के बच्चे हैं। 7-8 महीने के बच्चे हैं। हाँ, अंडू हैं ये अभी? हाँ, अभी अंडू यहाँ पे सूदे नहीं किए इनको। अच्छा, कब करेंगे? अब करेंगे बस ये थोड़ा मौसम साफ हो जाए, थोड़ी धूप निकल जाए। या फिर इनमें कोई ब्रीडर भी रखेंगे क्या? नहीं, इनमें से कोई नहीं रखना है ब्रीडर भी। ब्रीडर कोई नहीं रखना, ईद के लिए तैयार करने वाले बच्चे हैं ये। वैसे ब्रीडर के लायक हैं इसमें, जैसे ये बच्चा है ये 6-7 महीने का बच्चा है। हाँ, ये थोड़ा बारिश की वजह से कमजोर हो रखा है इस मौसम की वजह से, वरना 6 महीने का बच्चा है। वैसे बढ़िया है, हेल्थ में सही है, अजमेरा में है और क्वालिटी में बढ़िया दिख रहा है। टेस्टिकल्स भी बढ़िया है, काफी विकसित टेस्टिकल्स हैं। तो ये तो ईद के लिए तैयार करने के बजाय ब्रीडर में ज्यादा बढ़िया रहे मेरे विचार में। ब्रीडर करते हैं इसको, प्योर क्वालिटी में है, कमर का बैंड भी काफी अच्छा है। अच्छा, और ये वाला बच्चा कौन सी नस्ल में है? ये जो बच्चा है ये है अजमेरा सिरोही में है। हाँ जी। अच्छा। ये है 10 महीने के करीब। हाँ, तो 10 महीने के करीब है, हेल्थ अच्छी है। इसके थोड़े क्या है, सींग में चोट है इसलिए थोड़ा दर्द की वजह से थोड़ा कमजोर हो रखा है, वरना बहुत तगड़ी अच्छा। हेल्थ का बच्चा था। सींग में दिक्कत है। अच्छा, तो खाने में क्या दे रहे हो इनको? खाने में फिलहाल जी इनको ग्वार का भूसा चल रहा है, दाना इस टाइम पे बंद कर रखा है बारिश के मौसम की वजह से। अच्छा, बारिश की वजह से दाना बंद कर दिया? क्योंकि बारिश की वजह दाना परेशान कर रहता है, बाऊबादी ज्यादा आती है उसमें। हाँ, तो अच्छा। नुकसान की वजह से तो ये ब्रीडर है। ये ब्रीडर है, कितने दांत होगा? ये दांत भर गया जी, पूरे दांत कर रखे। अजमेरा है? अजमेरा। अच्छा, पैर में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हाँ, बारिश खुर बढ़े थोड़े से, बारिश की वजह से कटवा नहीं पाए अभी। अच्छा, ये भी सेल के लिए है? हाँ, ये सेल के लिए। तो अंदाजा बताएंगे क्या कुछ मांग रहे हो इसका? इसके जी मांग रहा हूँ 35,000 रुपये। 35,000 रुपये मांग रहे हो? हाँ जी। ठीक है। टेस्टिकल्स वगैरह तो सही है, विकसित है, काफी बड़े हैं, लेकिन थोड़ी हाइट में कम है। हाँ, हाइट थोड़ी कम है इसके। हाँ, इससे एक बड़ी हाइट में और है जो अच्छा। बढ़िया टॉप क्वालिटी में। अच्छा, ये है आपका दूसरा ब्रीडर? हाँ, ये प्योर सिरोही में है जी। दांत पूरे कर रखे होंगे? नहीं, छठे दांत पे जी। छठे दांत पे है? हाँ जी। काफी अच्छी हाइट का, हेल्थ में भी काफी बढ़िया है। हाइट कितनी होगी इसकी? इसकी हाइट है जी 45 इंच के आसपास। 45 इंच के आसपास है हाइट इसकी, काफी बढ़िया है। तो इसके क्या डिमांड है? इसकी डिमांड साहब बहुत ज्यादा है वैसे तो। 110,000 रुपये मांग रहा हूँ इसका। अच्छा, 110,000 मांग रहे हैं जी। और बाकी का कस्टमर आएगा तो हो जाएगा। ठीक है भाई। तो भाई, सिरोही और अजमेरा नस्ल की बकरियां काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, और जिस भाई को भी समझ में आ रही हैं वो भाई से संपर्क कर सकते हैं। इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।